2024 की चुनावी तैयारियों के बीच यूपी के लाखों युवाओं के मन के मुताबिक आखिरकार योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा को सरकार ने 3 साल बढ़ा दिया है। सामान्य वर्ग के लिए उम्र 25 साल तो वहीं महिलाओं के लिए 28 साल की गई है। युवाओं की मांग पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। अब इस फैसले के बाद चर्चा हो रही है कि युवाओं को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया है। इससे पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट करके उम्र बढ़ाने की मांग की थी। अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा था, बेरोजगार युवाओं और विपक्ष के दबाव से आखिरकार उत्तर प्रदेश में कई सालों के बाद पुलिस भर्ती निकली है। इस बीच कई युवा भर्ती का इंतजार करते करते नौकरी पाने की उम्र पार कर गए, इसलिए भाजपा सरकार इस भर्ती में अभ्यर्थियों को कम से कम 3 से 4 साल की छूट दे। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के ऑफिशियल हैंडल से भी पुलिस भर्ती में उम्र बढ़ाने को लेकर पोस्ट किया गया था। पोस्ट में लिखा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन में दी गई मात्र 22 वर्ष की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलना नितांत आवश्यक है। पिछले 5 वर्षों में पुलिस भर्ती न होने से लाखों युवाओं के लिए यह अवसर खोने जैसा है। सरकार के इस फैसले को अब 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार युवाओं को नाराज नहीं करना चाहती थी। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि युवाओं को मिली सौगात के पीछे अखिलेश और राजा भैया का हाथ है।